वीरवार रात को डीजल स्टोर रखने के मामले में दर्ज हुए केस के खिलाफ आज इंडियन ऑयल टैंकर यूनियन ने विशेष बैठक की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए यूनियन के उप प्रधान अशोक सरीन ने कहा कि उन पर गलत केस दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि जो डीजल जब्त किया गया है उस डीजल के उनके पास पूरे बिल भी मौजूद हैं तथा उन्हें किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। इस मौके पर अशोक ने फूड सप्लाई विभाग के DFSO नीलकंठ शर्मा पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने फूड सप्लाई के अधिकारियों पर डीजल की कालाबाजारी करने के भी आरोप लगाए। सरीन ने आगे कहा कि वह कई बार इसकी शिकायत भी कर चुके हैं लेकिन पुलिस भी आरोपियों के साथ मिली हुई है। इस मौके पर ट्रांसपोर्टर अमरजीत सिंह, महेंद्र सिंह सहित यूनियन के कई सदस्य मौजूद थे। 2500 B क्लॉस जिहड़ा क्लॉस B दा प्रोडक्ट है पेट्रोलियम एक्ट दा, उस च डीजल आउंदा जे उह रखदा है ते उहनू कोई लाइसेंस दी लोड़ नहीं, कोई एक्सप्लोजिव लाइसेंस दी जरूरत नहीं है। कि तुसीं इह लाया ते इक तुसीं मशीन लाई है जिहड़ी उह जिहदे नाल तेल पाउंदे हो जी, वेट एंड मेजरमेंट दा तां कम है। जे असीं उहनू प्राइवेट वेचांगे, असीं प्राइवेट तां किसे नू सेल करदे नहीं, अपने ट्रकां च पाउंदे आ।